थैंक यू सो मच विवेक सामल वंस अगेन। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम, लेकिन वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और इस बार शायद आप दुरुस्त आए और कमाल के अपने ये सीजन आपका कमाल की तरीके से गुजरा है, चाहे बल्ले के साथ हो चाहे गेंद के साथ हो। लेकिन पहला सवाल आपके सामने मैंने रखा था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एड्रेस, आपका आइडेंटिफाई क्लियर कीजिए हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमियों के सामने। भाई मुँह बेचाले ग्राम ढेंकानाल रो बिलोंग कर कुंचो बड़ा ढेंकानाल ग्राम पंचायत। से खिलाड़ी, किसने सोचा था कि ये आके लुटू वॉरियर्स टीम के लिए कमाल करेंगे, बतौर गेंदबाज ये ऑल ओडिशा टूर्नामेंट थर्मल पे ये यूनिट 9 का कमर तोड़ देंगे, जिस हिसाब से आपने गेंदबाजी की थी, लॉकी पसी पे एक मैच विनिंग स्पेल आपने डाला था। कैसे ये सिलसिला शुरुआत हुआ था, कब आपने सोचा कि क्रिकेट खेलना है, ये क्रिकेट का जुनून कब बचपन से था या फिर किसको देखकर आपने इसका शुरुआत किया था, स्टार्टिंग कैरियर कैसा था आपका? ये गाँव रे मैंने खेल देखु थी, बड़ भाई मैंने खेलु थी। जी तापरे गाँव रे प्रैक्टिस कली, फास्ट मते थर्ड मैन जगेलु, तापरे बोलिंग देलु, जी तापरे बैटिंग कली। जी कौन देखो सा साल था ये, कौन सा साल था? 2008 2008। निश्चित तौर पर बचपन से क्रिकेट खेलने का जुनून था आपके अंदर। हाँ जी निश्चित तौर पर एक एक सवाल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और आप बिल्कुल उस सारे सवाल का जवाब देंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग कैरियर के बारे में बताया और आपने बताया कि पहले विकेट के पीछे आपको फील्डिंग करवाया गया, फिर आपने गेंदबाजी की, फिर आपने बल्लेबाजी की, आज आप एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन चुके हैं। लेकिन एक मेमोरेबल मैच को याद कीजिए जो आपके लिए यादगार मैच हो, किस टीम के खिलाफ आपने खेला था याद और मैंने क्या प्रदर्शन आपका था उस मैच पे? डेब्यूरो फास्ट मैच थिला गाँव रे 21टा बॉल रे 64 रन जीतवा को थिला। मु प्रथम 7टा बॉल रे 7टा छक्का मारली। माय गॉड, यस अनबिलीवेबल। हमने देखा था जामुकोली पे एक मुकाबला हुआ था जहां पे आप, मतलब आप जब शुरुआत किया तब धीमी गति से आप रन बना रहे थे, जब आप एक बार सेट हो गए तो फिर आपने गेंदबाज को सेट कर दिया, कमाल के आपने छक्का चौका लगाया था। और मेरे को एक बार लगा था कि ये ना एक बहुत बड़ा टैलेंट आ रहा है हमारे सामने, ये मतलब टेनिस क्रिकेट पे अपना सिक्का जमाएगा, और उसको आपने बार बार किया, चाहे बल्ले के साथ जब जब मौका मिला आपने चौका चढ़ा, और जब गेंदबाजी पे आपको मौका मिला आपने विकेट चटकाया, यही आपका खासियत है। जरूर मेमोरेबल मैच के बारे में आपने बताया, रिकॉर्ड आपका जो आंकड़ा रही है सबसे ज्यादा रन, और जहां पे आपने रिकॉर्ड बनाया था उस मैच पे, चाहे गेंदबाजी के तहत हो चाहे बल्लेबाजी के तहत हो, एक मतलब सबसे बढ़िया आपका रिकॉर्ड हो उसको याद कीजिए। भाई बैटिंग ना बोलिंग भाई बैटिंग बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो चलेगा। प्रथम तो बैटिंग रे माने ए भुवनेश्वर रे पोखरीपुर ग्राउंड गोटे अच्छी सेठी मैच होता 35टा बॉल 135 रन मारती 100 रन चेज करूँ 12 ओवर मैच 12 ओवर मैच 190 रन चेज करूँ 11 ओवर में मैच जीती गई 35 गेंदों पे आपने कितना बनाया था? 135। ओ, क्या बात है, जब विवेक का बल्ला हो हाथ में तो फिर गेंद बहुत दूर जाता है, कोसों दूर जाता है, और 35 गेंदों पे 135 रन की पारी, अनबिलीवेबल विवेक सामल, यानी कि मैंने आपका नाम रखा था कि बेहतरीन विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वो आपका रिकॉर्ड था जो आप शायद किसी बल्लेबाज को तोड़ना हो ना उसको फिर वो मसरूद करना पड़ेगा, यानी कि 35 गेंदों पे 135 छक्का चौका का बरसात शायद हो रहा है, वो हो रहा था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन ऑफ द मैच,
आपका सबसे जो यादगार मोमेंट थी मैच को याद कीजिए, और थोड़ा सा आवाज को और थोड़ा सा लाउड कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको आपका आवाज सही तरीके से नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा आवाज को आप लाउड कीजिए और बताइए एक मैन ऑफ द मैच के बारे में। ये तो रिसेंट जाए जी थर्मल कप। जी, वहां पे जब मैन ऑफ द भारतीय मैच उज्जैन बने में थे खेले। क्या था उस मैच का कहानी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। थर्मल कप रे माने यूनियन तो बहुत भलो टीम से फर्स्ट माने हमर तो फाइनल तो फॉर्मल मैच होतला। जी आमे माने फर्स्ट मैच जीती जाइतिलु। सेकेंड मैच टा माने कम स्कोर हेतला। उसके बाद फिर आपकी तो गेंदबाजी का बारी आता है और गेंदबाजी पे आप कमाल करते हैं। पहले आप शायद मेरे को जितना याद है आप सुमन सेठी का विकेट चटकाया था, वो क्लीन बोल्ड किया था। उससे पहले पिपली पुओ का विकेट आपने लिया था, कंटिया ने एक बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा था, और टू वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। जी बिल्कुल, लेकिन आपको मैन ऑफ द मैच चुना गया था, और वो एक मेमोरेबल मैच रहेगा। एक बड़ा मंच पे आपने पंच लगाया था बतौर गेंदबाज। मैन ऑफ द सीरीज के ओर बढ़ते हैं। मैन ऑफ द टूर्नामेंट होने के लिए आपको एक टूर्नामेंट पे हर मुकाबला पे आपको बेहतर करना पड़ेगा। कौन सा वो टूर्नामेंट जहां पे विवेक ने हर मुकाबला पे बेहतर परफॉर्मेंस दिया था और मैन ऑफ द टूर्नामेंट को जीता था, और वो उनका सबसे फेवरेट मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड माना जाएगा। 8 8 वर्ड रे गोटे कंतोलो टूर्नामेंट नाइट टूर्नामेंट कंतोलो जी 8 वर्ड सेठी माने आमे गां टीम जाइथिलु माने आमो पंचायत टीम सबु बाहर टीम भी आसिले कटक माने सबु कटक रो टीम आसिले से सबु लोकल रे सब टीम थिले आइए सेठी सबु मैच रे भलो प्रदर्शन करे माने सबु मैच रे लगभग 40 40 45 पब्लिक मैच स्कोर करते जी, तो भारतीय उज्जैन में। हर मुकाबला पे बल्ले के साथ अपने रन बनाया था, गेंदबाजी पे विकेट, भारतीय उज्जैन में थी कुल मिलाकर 12 विकेट आपने चटकाया था उस टूर्नामेंट पे, जिसके वजह से आपको मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड पे नवाजा गया, और वो आपका सबसे यादगार मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड आप मानते हैं। और जरूर जब जब आप उस ट्रॉफी को जाके आप देखते हैं, जरूर उस मुकाबला को आप वो जो यादें हैं वो उसको ताजा करते हैं। और वो था आपका मैन ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक चैंपियनशिप को याद कीजिए जो आपके लिए सबसे फेवरेट चैंपियनशिप माना गया हो, और उस चैंपियनशिप को पाने के लिए आपने कड़ी मेहनत किया था। कौन सा वो टूर्नामेंट था जहां पे आपने उस किताब को जीता था, और उस ट्रॉफी को जीतने के बाद अपने अंदर से आपका फीलिंग्स बहुत आप खुश महसूस कर रहे थे। कौन सा वो टूर्नामेंट था, कौन सा वो चैंपियन ट्रॉफी था। ए आमो ढिंकानाल ले गोटे मैच होतला ग्रीन बॉल फाइनल मैच रे माने 15 ओवर मैच 75 रन टारगेट थिला 15 ओवर जी मैच आमरी सबु भलो बैट्समैन उपने विकेट पड़ी थिले माने भाई सुबुची जी फिर कैसा था आगे की सफर आपके लिए उस मैच पे। गुड भाई माने लास्ट ओवर रे हमको दरकार थिला 15 रन जी लास्ट 3 बॉल रहिला 12 रन गुड ट्राई जी कर दी प्रथम बॉल छक्का मारी सेकंड बॉल डॉट लास्ट बॉल 6 रन माने जी बहुत प्रेशर नर्वस भी थी फुल टेस्ट पड़ला छक्का मार दी जी बिल्कुल, फुल टॉस को आपने फुल टोल किया और आपने फिनिश किया, उसके बाद वो ट्रॉफी को आपने जीता। जरूर वो एक यादगार लम्हा था आपके लिए, और जब कोई गेम को फिनिश करता है और शायद उसका कॉन्फिडेंट पे बढ़ोतरी होता है, कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, आने वाले समय पे वो और भी कॉन्फिडेंट के साथ मुकाबला पे उतरते हैं। और आपने शायद जो मैच को याद किया वो एक मेमोरेबल मैच था आपके लिए।
हाउ मेनी सेंचुरी अभी तक विवेक सामल ने जड़ रखा है, कितना सेंचुरी आपने बना रखे हैं? कभी सेंचुरी बनाए हैं आपने टेनिस क्रिकेट पे हो या फिर प्रोफेशनली? 5 सेंचुरी 5 सेंचुरी आप लगा चुके हैं और 5 विकेट, पंजा खोलना, कभी पंजा खोले हैं पंजा गेंदबाजी पे? कितना बार याद कीजिए? खेला 2 बार। 2 बार। सेंचुरी, एक यादगार सेंचुरी कहां पे, चाहे वो पहला सेंचुरी हो चाहे वो 20 पे आया हो, लेकिन एक मेमोरेबल सेंचुरी को याद कीजिए और उस सेंचुरी के बारे में आप विस्तार पे बताइए, कहां पे आया था, कैसे आया था, कितना गेंद पे आया था। ढेंकानाल में हुआ था जी सेमीफाइनल मैच। कैप्टन मैंने भरोसा तो मते ओपनिंग दी थी, जी 41 गोटी बॉल में 108 रन मार दिए। ओहो, मतलब फियरलेस क्रिकेटर, मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग। मैंने आपका खेल बहुत करीब से देखा हूं, आपके लिए एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा कि जो खिलाड़ी पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास को बदलते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी पसीना से नहाते हैं वो इतिहास को बदलते हैं। मैंने देखा था जब सीजन का शुरुआत हुआ था, शायद आप एक अंडर रेटेड खिलाड़ी थे, लेकिन जब आपने वो मेहनत के साथ अपने आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश किया तो फिर आपके ऊपर वो रेट लगाया गया कि विवेक हर टीम पे होना चाहिए। आपने बड़े बड़े टीम के साथ योगदान दिया, आपने हर टीम के लिए अच्छा किया और खास तौर पर लुटु वॉरियर्स टीम के लिए आपने पलटवार किया हर मुकाबला पे। एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा जहां पे हमारे एक दर्शक पूछे हैं, सोनेक्स बिस्वाल बुधादेव भाई विवेक भाई को पचारन तो आगर पड़ा रे बबलू 4टा 6 मारी से बिसेरे, 4-6 लगाए थे शायद बबलू ने आगर पड़ा, आप आए थे वहां उस मैच पे? बोगड़ा आगर पड़ा, आगर पड़ा केंदुजा, बबलू बबलू खान नहीं, ने जी, नहीं वहां पे तो नहीं गए थे क्योंकि मैं भी गया था आगरपाड़ा, विवेक उस मैच पे अवेलेबल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टॉप 5 बैट्समैन ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट 2021-2022 का जब आप सीजन उठाकर देखते हैं, किस 5 बल्लेबाज ने आपको प्रभावित किया है? आप लाइन वाइज उस बल्लेबाज के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा उनके बारे में समझाएंगे क्या खास बात रही है इस खिलाड़ियों में। फर्स्ट ऑफ ऑल चुन के लिए भाई चुई कालिया, चमत्कार कालिया, जगन भाई, मिस्टर जगन, उत्कल केसरी राउत, तापरे हमारे कंपिया भाई, कंटिया, बाएं हाथ का विस्फोटक बल्लेबाज, सिंगल भाई, सिंगल दास, उन्होंने बतौर ओपनर काफी लाजवाब बल्लेबाजी किए हैं इस साल। लास्ट वन हम कैप्टन कोला राजू। जी बिल्कुल, राउतड़ा राजू, ये 5 बल्लेबाजों का आपने नाम लिया और मेरे विचार पे ये 5 बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया काम किया है। क्या खास बात है चुई कालिया के अंदर, क्या खास बात है उत्कल केसरी राउत के अंदर, क्या खास बात है सिंगल दास के अंदर? चुई कालिया से शुरुआत करना चाहेंगे, क्या खास लगता है आपको? चले भाई तो एबे माने ओडिसा रे नामी जामी रिपोर्ट स्कीम जी से तो तंगो रिपोर्ट पानी फेमस। जी निश्चित तौर पर एक रिवर्स मास्टर चुई कालिया, तो ये एक खास बात आपको नजर आया। तो ऐसे ही हुआ, उत्कल केसरी राउत जगन के अंदर क्या खास बात रही है जब बल्लेबाजी करते हैं? जगन भाई सिचुएशन अनुसार खेलोगे जी, इनिंग्स को सेकंड बिल्ड भाई, करते हैं, एक डिफेंडेबल खिलाड़ी हैं। जगन और सिंगल भाई हमारे पूरा फेयरलेस मैडम जी ये जी पूरा क्विक मैरी, सिंगल भाई कंटिया भाई सिंगल पूरा क्विक मैरी। जी, बहुत बड़े बड़े छक्का लगाते हैं। राउतड़ा राजू के बारे में आपने चर्चा किया, वो किस किस्म के खिलाड़ी हैं? से माने से पूरा अटैकिंग खेली पारे, डिफेंडिंग भी खेली पारे, जी से टीम को मिलती पूरा खेलोगे। जी कंटिया, एक डायलॉग फेमस हुआ था कंटिया भाई के बारे में, शायद अभी तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन काफी नामी दामी खिलाड़ी हैं, बाएं हाथ का विस्फोटक बल्लेबाज। मेरे को याद आता है गोला बंधक का वो मुकाबला कमांडो 11 के खिलाफ, जिस हिसाब से उन्होंने छक्का लगाया था, बहुत
ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। क्या बताना चाहेंगे कंटिया भाई के बारे में? भाई मोसे तो बहुत क्लोज माने मोसे तो बहुत मजा करे भी भाई रोहन जी भाई माने टीम में जेते बेले रहिबो भाई मोर पूरा चिड़ा चुड़ी हो माने से खुशी मजा करे जी तो उनका फेवरेट शॉट कौन सा शॉट जो आप बार बार देखना चाहेंगे? फुल शॉट। पूल शॉट। जी बिल्कुल, पूल काफी लाजवाब लगाते हैं। चलिए टॉप 5 बॉलर इसी सीजन को मद्देनजर रखते हुए किस 5 गेंदबाज ने प्रभावित किया है विवेक सामल को? फास्ट बॉल को सोलह राजू कोसला राजू, करिश्मा राजू, उसके बाद भैया बाया मनोज कुमार राउत, तबरे हमारी बाबूनी बाबूनी नंबर 3, उसके बाद राकेश 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 कुमार, और लास्ट वन, लास्ट वन रिम मिश्रा मिश्र भाई का नाम आपने लिया। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं ऑलरेडी। सुकुने प्रीमियर लीग के बारे में बात करें, बाघड़िया कप के बारे में बात करें, और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं मिश्र भाई। कंग्रेचुलेशन, जो टीम बनाया है वो टॉप 5 बॉलिंग का जो मार्किंग किया है विवेक सामल ने, उसके अंदर मिश्र भाई का नाम है। बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन का सवाल मैंने आपको पूछा। बतौर बल्लेबाज किस गेंदबाज के खिलाफ थोड़ा सा दिक्कत आएगा? ये जो 5 गेंदबाजों का आपने नाम लिया, किस गेंदबाज को बतौर बल्लेबाज आप खेलते हुए थोड़ा सा बैकफुट पे जाना चाहेंगे, थोड़ा सा सिंगल डबल करके निकल जाना चाहेंगे आप? बाबू बाबूनी। जी बिल्कुल, लाइक एक्यूरेसी है, टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं, उनके पास वो स्विंग है, बाहर की तरफ लेकर जाते हैं, कभी कभार सीधा रख देते हैं, बल्लेबाज को तो दिक्कत आता है जब बाबूनी सामने पे हो, थोड़ा सा आपको टेम्परमेंट के साथ बल्लेबाजी करना पड़ता है। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा देते हैं, उसको घुमा लेते हैं कि बतौर बल्लेबाज अपने 5 बल्लेबाजों का नाम लिया, जिसके अंदर चुई कालिया का नाम, सिंगल दास का नाम, आप बतौर गेंदबाज किस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने के लिए आप थोड़ा सा मतलब सोचेंगे, उनके बारे में आप गेम प्लान बनाएंगे, किस बल्लेबाज को कठिन होगा गेंदबाजी करना? जगन। चलिए टॉप 5 ऑलराउंडर, थोड़ा सा लाउडली आप बोलने की कोशिश कीजिए, टॉप 5 ऑलराउंडर। मंटू भाई, बाव मंटू, देवाशीष पाटसानी, हमारे गुतुमारा मंटू, लुटू वॉरियर्स का लुटू वॉरियर्स के मंटू भाई नंबर 3 पर, चिनू, विश्व रंजन साहू, आशीष आशीष महापात्र, इस ब्रिलियंट वाला उंडा, लास्ट वन आईआरसी आईआरसी आशीष, जी जी आईआरसी आशीष महापात्र, लास्ट वन पौरंग राजू भाई, पौरंग राजू, बहुत बढ़िया। आपने ये जो ऑलराउंडर का आपने सूची बनाया है, जो मार्किंग किया है, मैं आपको 100 out of 100 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि आपने चुनिंदा ऑलराउंडर को अपने वो 5 जो मार्किंग था उस पे आपने रखा है। ये 5ों ऑलराउंडर से किसको आप 1 नंबर पे रखना चाहेंगे? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन मुश्किल काम करने पे मजा आता है। किस ऑलराउंडर ने इस सीजन सबसे मतलब राइजिंग ऑन द टॉप? बाउ मंटू, एमएमसीसी संबलपुर का। जी आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, आप ड्यूज बॉल या फिर कॉर्क बॉल पे मतलब वहां पे भी जाके आपने रन बनाए हैं, किस क्लॉफ के तरफ से आप खेलते हैं? और थोड़ा सा जानना चाहेंगे कैसे आप टेनिस क्रिकेट से थोड़ा सा बाहर होके वहां पे जाके प्रोफेशनल क्रिकेट पे समय देते हैं? इस सीजन भी हमने देखा है आपने बहुत सारे टूर्नामेंट मिस किया था, क्योंकि आपको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहिए था। कहां पे किस क्लॉफ के ओर से खेलते हैं, और अभी तक क्या क्या कर चुके हैं प्रोफेशनली क्रिकेट पे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे? प्रोफेशनल क्रिकेट तो हमारे
डिविजिबल माने इंट्राक्लोन मैच खेले मुआमो ढेंकानल सूर्य प्रताप क्लब रे खेले ସେଥିରେ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୁସ୍ତାକ ବେଗ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ବି ସୋଲେମନ ଅଛନ୍ତି। जी बिल्कुल। प्रोफेशनल क्रिकेट में क्या स्किल्स होना चाहिए, उसके बाद हम टेनिस क्रिकेट के ऊपर आएंगे, लेकिन आप जब जाते हैं आपके जो कोच होते हैं वो क्या स्किल्स के बारे में बात करते हैं, जो भी यंगस्टर अभी देख रहे हैं आप उनको क्या बताना चाहेंगे स्किल्स के बारे में, क्या सोचते हैं आप दिमाग की तौर पर कैसे आप प्रिपेयर होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल माने खेलिबा पूर्वरो किछि माने चिंताधारा करिबार नै, खेल उपर फोकस जेंदु, जेतिकि समय खेलिबे खेल उपर फोकस दे। जी बिल्कुल, फोकस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि फोकस आपका होना चाहिए गेम के ऊपर, तब जाके आप नेम बना सकते हैं। लेकिन मैंने स्किल्स के बारे में पूछा, जैसे कि आपका हेड पोजीशन कैसा होना चाहिए, बल्ला आपका बॉटम हैंड किस हिसाब से चलना चाहिए, या फिर आपका जो स्टांस है वो किस हिसाब से चलना चाहिए, क्या उसके बारे में थोड़ा सा आप बता पाएंगे हमारे इंस्टा को। टेनिस रे खेलले स्टंप आके रे छेड़वा को पड़ियो जी माने यॉर्कर बॉल भी कभी बैट रे भी न बाजला गोरे रे बाजी, जी तो बॉल बॉल जो अनुसार से अनुसार शॉट खेलिया को पड़ियो। जी ये आपने सही फरमाया कि गेम जिस हिसाब से आ रहा है उसी हिसाब से आपको शॉट का चयन करना पड़ेगा, और ये कि बहुत बढ़िया चीज आपने बताया। चलिए अब हमने स्किल्स के बारे में पता किया और थोड़ा सा हमने वो प्रोफेशनल क्रिकेटिंग कैरियर के ऊपर हमने थोड़ा सा रोशनी डाला कि विवेक सामल जो ड्यूज बॉल और कॉर्क बॉल खेलना भी पसंद करते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गेम चेंजर ऑफ द सीजन किसको आप चुनना चाहेंगे गेम चेंजर के तौर पर। गेम चेंजर कंटिया भाई, कंटिया भाई, दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए जो बेस्ट ओपनर के तौर पर आपको प्रभावित किए हैं, दो सलामी बल्लेबाज सक्सेसफुल ओपनर। मुझे ना हमारे टीम का नहीं, आप किसी भी टीम से ले सकते हैं। सिंगल भाई, जी सिंगल भाई कंटिया भाई, दो सलामी बल्लेबाज सिंगल दास के साथ आपने कंटिया भाई का नाम लिया, बेस्ट विकेट कीपर। बेस्ट विकेट कीपर कंटिया भाई, कंटिया भाई, तो आज भाई कंटिया भाई का ही नाम चल रहा है, और उन्होंने कमाल किया था, बेस्ट पेस बॉलर जिसके पास गति हो और वो बल्लेबाज के सामने दुर्गति बार बार की है बल्लेबाजों का दुर्गति, किसका नाम आप लेना चाहेंगे बेस्ट विकेट कीपर पे। सीजन में तो कुशल राजू बोल बोलिंग कर रहे हैं जी, तेज गति तेज उनके पास वो स्पीड है, या फिर और कोई गेंदबाज उनसे भी तेज गेंदबाजी करता हो, थोड़ा सा सोचिए। हमारी स्पीड में बहुत सारे ऐसे गेंदबाज हैं, गणेश प्रधान भी तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं, पिलाड़ू भी तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं, आप किसका नाम लेना चाहेंगे और एक बार कंफर्म कीजिए। पिलाड़ू, पिलाड़ू, चलिए मिस्टर डेविल का सवाल है विवेक भाई, विवेक भाई कितना वो डाउन क्या होना चाहिए, क्या वो स्पॉट होना चाहिए बल्लेबाजी पे जो विवेक को पसंद है बैटिंग करने के लिए, क्या वो फर्स्ट डाउन है या फिर सेकंड डाउन या फिर थर्ड डाउन या फिर फोर्थ डाउन, किस जगह पे आपको बल्लेबाजी करने के लिए जाना चाहेंगे। तो ओवर अनुसार में जाए जी, सेकंड डाउन भी मते भल्ला के खेलिया को सेकंड डाउन जी, सेकंड डाउन आपको खेलना पसंद है चौथे नंबर पर, लेकिन मैंने आपको देखा है कि बतौर फिनिशर आपका इस्तेमाल बहुत बार किए हैं कप्तानों ने, और वहां पे फिनिशिंग रोल बहुत बढ़िया तरीके से आपने अदा किया है। मक्खन भाई जो आपके ढेंकानाल से बिलोंग करते हैं, उनका एक
शायरी है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा और जरूर आपको अच्छा लगेगा उनका शायरी। आप तो पीज हिटर की मास्टर हो, कि आप तो पीज हिटर की मास्टर हो, रफ्तार की बादशाह हो, गली क्रिकेट में जूनियर एमएसडी बुलाती हैं, विवेक उसका नाम है। तो उन्होंने लिखा है ये कि आप पीज हिटर हो जी और रफ्तार का बादशाह हो और आपको जूनियर एमएसडी के नाम से बुलाते हैं, और उन्होंने हैशटैग क्रिकेट वाणी भी लिखे हैं, मक्खन 77 थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फॉर योर लव। भाई, जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेस्ट कॉटर बॉलर, बहुत सारे कॉटर स्पेशलिस्ट निकल चुके हैं, कॉटर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, आप भी बतौर गेंदबाज वो कॉटर का इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन किस कॉटर गेंदबाज को आप नंबर वन पर रखना चाहेंगे? कॉटर बोलोगे कुशल राजू भैया। कुमार राउत, कोसला राजू, कोसला राजू जो कि वो लेग कटर बहुत बढ़िया डालते हैं, लेकिन बाया के पास वो दो तरीके की वेरिएशन है, वो अंदर की तरफ लेकर आते हैं, बाहर की तरफ लेकर जाते हैं, और मेरे विचार पे थोड़ा सा कोसला राजू से ऊपर, जब कट्टर गेंदबाजी के बारे में हम चर्चा करें तो मनोज कुमार राउत का नाम ऊपर आना चाहिए जो आपने बताया। देखिए स्ट्राइक रोटेट करना क्रिकेट का नियम है, बतौर बल्लेबाज आप जब स्ट्राइक रोटेट करते हैं वो इनिंग्स बिल्ड होता है, आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, आप एक नींव रखते हैं। तो ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे ऐसे कौन सा दो बल्लेबाजों का आप नाम लेना चाहेंगे जिनके पास वो काबिलियत है जो स्ट्राइक रोटेट करके भी बड़ा स्कोर बना सकते हैं, सिंगल डबल के ऊपर वो तब्बज्जो देते हैं, उस किस्म के खिलाड़ियों का नाम आपको लेना है, दो खिलाड़ियों का। स्ट्राइक रोटेट फर्स्ट जी ऑफ ऑल आसिब पोला राजू, जी उसके बाद शिबू भाई, शिबू भाई, शिबू महाराणा, वो बहुत बढ़िया स्ट्राइक रोटेट करते हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया, सेफ हैंड फील्डर। जी जी जो अच्छा ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୀପ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଲାଗି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଡ୍ ଆସିଲା। जी बिल्कुल, सेफ हैंड फील्डर, किस फील्डर का नाम लेना चाहेंगे जो सेफ हैंड, चाहे आप रोंगन पे खड़ा कर दो, लॉन्गऑफ पे या फिर कवर पे या फिर थर्ड मैन पे, लेकिन उनके हाथ से कभी गेंद नहीं छूटता है और वो 100% देते हैं मैदान के ऊपर जब फील्डिंग करने के लिए उतरते हैं। हमने कल देखा लखनऊ ने कैच गवाया, दीपक हुडा ने कैच छोड़ा था, केएल राहुल ने क्या कैच छोड़ा था जहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा, उस बेहतरीन फील्डर के सूची पे आप किसका नाम रखना चाहेंगे? बेस्ट फील्डर मैंने मो हिसाब रे कुकुडांगो लिपु कुकुडांगल्ली, यस, बेस्ट डेथ बॉलर, डेथ बॉलर पे आप किसका चुनाव करना चाहेंगे? डेथ पे यार बेहतर गेंदबाजी करता है ये बाबूनी। बाबूनी, डेथ बॉलर बाबूनी, यस, आपने बहुत बढ़िया तरीके से हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए, और थोड़ा सा और भी क्वेश्चन बचा है और 10-12 क्वेश्चन के बाद हम आएंगे शायरी राउंड के ऊपर, इंटरनेशनल क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले बेस्ट फिनिशर आप किसको चुनना चाहेंगे फिनिशर के तौर पर टेनिस क्रिकेट पे? बेस्ट फिनिशर एक चीज ने तो बेस्ट फिनिशर कुछ नाम मैं आपको बता दूं, संबलपुर के लिए छोटू आकाश ने कुछ मुकाबला पे बहुत बढ़िया फिनिश किया है, जब आप देखते हैं लुटू वॉरियर्स के लिए शायद कंटिया ने बहुत बढ़िया फिनिश किया है, और कमांडो 11 के लिए विश्वरंजन साहू, उन्होंने भी बहुत बढ़िया फिनिशिंग रोल अदा किया है, या फिर आप देखते हैं यूनिट 9 के लिए चाहे पिपली पुओ या फिर किरण खान, संबलपुर के लिए पीतली ने भी बहुत बढ़िया फिनिश किया है, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? चिन्हू चिनो, चलिए आपका आइडियल खिलाड़ी कौन है, किसको आपने देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किया था, आइडियल क्रिकेटर विवेक सामल का हम जानना चाहेंगे। इंटरनेशनल जी, इंटरनेशनल हो, इंडियन प्लेयर हो,
देखिए इंडिया तो खेले खेले भाई होंगे तो इंटरनेशनल जरूर वो खेले हों। भाई मो एक्चुअली कह गए मो गॉड ऑफ क्रिकेट, मो गॉड ऑफ क्रिकेट MS धोनी। MS धोनी तो महेंद्र देह धनाधन धोनी। कभी भी क्रिकेट का कोई किताब लिखा जाएगा उसका फिनिशिंग चैप्टर लिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। 2011 पे जब वर्ल्ड कप जीता भारतीय टीम, तब थे भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। 2007 पे जब T20 वर्ल्ड कप जीता, तब भारतीय टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। और धोनी को देखते हुए बहुत सारे यंगस्टर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उनमें से एक विवेक सामल भी। आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम? आईपीएल पे फेवरेट टीम CSK भाई चेन्नई सुपर किंग। धोनी आपका आइडियल क्रिकेटर हो तो आप भाई देखिए चेन्नई सुपर किंग के पक्ष पे जाएंगे, लेकिन इस साल शायद उतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स का, थोड़ा सा डाउन रहे। लेकिन देखिए अभी तो वो उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पे गुजरात टाइटंस फाइनल पे पहुंच चुका है, और कल RCB जीता है, राजस्थान के साथ भिड़ेगा, फिर उस मैच से जो जीतेगा वो पहुंचेगा गुजरात के पास। क्या लग रहा है, RCB राजस्थान या फिर गुजरात टाइटंस, क्या रहेगा विवेक सामल का प्रेडिक्शन 2022 इंडियन प्रीमियर लीग पे कौन बनेगा चैंपियन? क्या लग रहा है आपको, किस टीम का नाम लेना चाहेंगे आप? गुजरात गुजरात टाइटंस। जी बिल्कुल, ब्रांड ऑफ क्रिकेट को उन्होंने चेंज किया। देखिए सबसे कम छक्का गुजरात टाइटंस ने ही लगाया है, सबसे कम छक्का, लेकिन सबसे ज्यादा जीत गुजरात के पक्ष पे। सिर्फ छक्का लगा के आप मैच नहीं जीत सकते हैं, छक्का लगा के आप नंबर वन पर नहीं पहुंच सकते हैं। आप मतलब वो खेल का जो सोच है ना उस पर बदलाव करना पड़ेगा। हर समय यही चीज कहा जाता है कि आप सिंगल डबल के ऊपर भरोसा जताइए, इनिंग्स को बिल्ड कीजिए, गेम की अवेयरनेस को दिमाग पर लेकर आइए, और गेम की सिचुएशन के तहत आप क्रिकेट खेलिए जो आपने खेले हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा आपके पर्सनल जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्रिकेट के अलावा और क्या हवीस है, हवीस क्या रही है विवेक सामल का, और क्या करना पसंद है? वो स्टेट लेवल खेले हैंडबॉल, रेसलिंग जी खेल जी। ओ, उसके बाद खाना स्टेट पीना लेवल हैंडबॉल घूमना पिक्चर देखना, ऐसे कुछ हॉबीज, शॉपिंग करना। सुविधा मैंने बोला कि मतलब बाहर घूमना या फिर स्ट्रेट फूड फूड खाना खाना आपको पसंद हो, या फिर आपको पिक्चर देखना पसंद हो, गाना सुनना पसंद हो? बिरयानी। बिरयानी, बाप रे बाप, फेवरेट फूड। मैं उसी सवाल के ऊपर आ रहा था कि फेवरेट फूड आपका बिरयानी। जी 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 बिरयानी टॉप 5 टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा, ये बार बार सवाल कर रहे हैं बैकुंठ सर हमारे कि बागेड़िया कप के बारे में, सुकुने प्रीमियर लीग के बारे में, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका वो टॉप 5 टूर्नामेंट, आप किस टूर्नामेंट जिसका हॉस्पिटैलिटी बहुत लाजवाब हो, जिन्होंने आपका खातिरदारी बहुत बढ़िया किया किए हैं इस सीजन, तो किस टूर्नामेंट का आप नाम लेना चाहेंगे? बागड़िया बागेड़िया नंबर वन, ऑलस्टार, ऑल स्टार, चलिए सुकमल, सुकने, हमारे ढेंकानाल मिनी स्टेडियम मैंने ढेंकानाल कप। मिनी स्टेडियम आप जब हुआ था तो कमाल के उन्होंने टूर्नामेंट किया था। लास्ट वन लास्ट वन हमारी लोके बस लौके पसी। मैं भी अपने जो 5 टूर्नामेंट का नाम लिया, शायद पांचों की पांचों टूर्नामेंट कुछ अलग स्तर पे जा चुका है, चाहे सुकुने प्रीमियर लीग के बारे में बात करें, बागेड़िया कप के बारे में बात करें, लौके बसी टूर्नामेंट, वहां पे जो हॉस्पिटैलिटी था वो बहुत ही लाजवाब था। आप अभी देख रहे थे मतलब गांव से या फिर गांव के बाहर से जितने भी लोग आए थे उनके लिए खाना पीने का उन्होंने व्यवस्था की थी, मतलब हजार हजार लोग आके उन्होंने क्रिकेट
मतलब खाना खाए थे, इससे बढ़िया चीज शायद कोई नहीं कर सकता है। लकई पसी सालूट आपको, आपके तमाम वॉलेंटियर को जिन्होंने इतना भीड़ पे भी बहुत बढ़िया तरीके से उस काम को वो कर पाए। तो इसमें से किस टूर्नामेंट को आप नंबर वन पे रखना चाहेंगे? आपने बहुत सारे टूर्नामेंट का नाम लिया, टॉप 5 टूर्नामेंट, लेकिन नंबर वन पे किसको रखना चाहेंगे? टॉप क्वेश्चन है मेरे विचार पे आपके लिए। बागड़िया बागड़िया, क्या खास बात रही है बागड़िया का? क्यों आपने बागड़िया का नाम लिया? रे, बागड़िया ग्राउंड बहुत बड़ा, जी ग्राउंड भी बहुत बड़ा। जी बिल्कुल, आप वो ओवर से जो पैविलियन बना होता है, आप वहां से नीचे की तरफ कुछ अलग सा फीलिंग होता है शायद। बागड़िया रे गोटे मैंने फेमस लगे पैविलियन ऊपर पैविलियन आसो तेज जी, जी मैं भी इस बार जब मतलब ऊपर से नीचे आ रहा था, कुछ अलग सा फीलिंग हो रहा था। और लॉस का मतलब फील नहीं आता, पूरा थैंक यू पूरा सो मच लॉस का फील नहीं बागड़िया, आता। बागड़िया क्रिकेट एसोसिएशन, आप इतना बढ़िया टूर्नामेंट हमारे सामने लेकर आए और मुझे बुलाया, तमाम क्रिकेटर को बुलाया, और बहुत मजा आया बागड़िया कप पे। और उम्मीद ये रहेगा कि नेक्स्ट सीजन पे भी हम वहां पे कमाल करें, धमाल मचाए और विवेक के बल्ले से वो छक्का चौका का बौछार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि क्या टेनिस प्लेयर वो डाइटिंग करते हैं, क्या फिटनेस के ऊपर वो ध्यान देते हैं, क्या विवेक सामल वो काम करते हैं, क्या फिटनेस के ऊपर उनका तबज्जू है? नहीं, जिम आप अटेंड करते हैं? जिम जिम में जाऊं तो सकाळ मॉर्निंग में रनिंग हो जी जी, रनिंग एक्सरसाइज। जितना चाहिए शायद आप उतना तो कर लेते हैं, और रनिंग करना सुबह बहुत जरूरी है, और आप भी फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। और आप यंगस्टर को क्या बताना चाहेंगे, क्या फिटनेस के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए जब वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिकेट खेलले फिटनेस दरकार, आउ जंक फूड खाइले पेट गैस रही जीवो, यस तो बॉलिंग फील्डिंग ऊपर टिके तकलीफ आसीबो। जी बिल्कुल, ये सारे चीजों के ऊपर थोड़ा सा इस सारे चीजों का भूलना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा आपको, तक लिया टाटा बाय बाय। फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, फिटनेस जितना बेहतर आपका होगा शायद आप उतना बेहतर तरीके से अपनी खेल का जो नमूना उसको पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि आपका फेवरेट शॉट कौन सा, शॉट आप आंख बंद करके भी खेल सकते हैं, पक्की पकाई शॉट, स्ट्रेट शॉट ठीक स्ट्रेट। है, जी बिल्कुल, स्ट्रेट ड्राइव आप बहुत बढ़िया करते हैं, डाउन द ग्राउंड आप बहुत बढ़िया करते हैं, स्टैंड एंड डिलीवर आप बहुत लाजवाब तरीके से गेम को लेके वो दर्शकों के पास फेंकना आपको अच्छी तरीके से पता है। गेंदबाजी पे स्टॉक डिलीवरी, किस गेंद का आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं? मूव ट्राई टाइम यॉर्कर ट्राई करें। यॉर्कर, और ये चीज कहा गया है कि यॉर्कर इज द बेस्ट बॉल ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री। आप जब भी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, लोसित मलिंगा या फिर मिचेल स्टार्क या फिर जसप्रीत बुमराह, ये सारे गेंदबाजों ने यॉर्कर पे महारत ही हासिल किए हैं, और उसमें से हमारे टेनिस क्रिकेट पे वन एंड ओनली विवेक सामल जो यॉर्कर के ऊपर निर्भर करते हैं और तब्जू देते हैं। यॉर्कर पे आपको विकेट मिल सकता है, और आपने सुमन सेठी को जो यॉर्कर डाला था शायद वन ऑफ द बेस्ट यॉर्कर डिलीवरी, जब विवेक सामल का आंकड़ा हम उठाकर देखते हैं। क्या खुशी था थर्मल कफ के बारे में जब हम चर्चा करें, जब आपको लेकर आए थे कप्तान गेंदबाजी पे और आपने वहां पे विकेट चटकाया, जब सुमन सेठी का विकेट आपने चटकाया, क्लीन बोल्ड किया, मैं आपका सेलिब्रेशन देख रहा था, आप बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे थे, अंदर से बहुत खुश थे, क्या बताना चाहेंगे उस मैच के बारे में बतौर गेंदबाज सिर्फ? थर्मल मैच रे ली क्वार्टर सेमी मु बॉलिंग करनी, जी फाइनल मैच रे माने भरोसा थिला हम कैप्टन राजू आ मंटू भाई भरोसा थिला सेतिमे बॉलिंग देले तो तांको भरोसा रखिया पई विकेट नहीं थे आपण,
सुंदर बॉलिंग का नमूना देखे इसलिए। चलिए वो एक यादगार टूर्नामेंट रहेगा आपके लिए, कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। और हमने उसका वो शॉर्ट वीडियो क्लिप भी हमारे यूट्यूब पे डाला था कि विवेक सामल ऑन फायर। भाई मंडल भाई भी मत मो ऊपर बहुत भरोसा रखना। जी बिल्कुल मंडल भाई, थैंक यू सो मच एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए और बेहतरीन खिलाड़ियों को मौका देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, न्यू बॉल और ओल्ड बॉल जैसे हम देखते हैं, यानी कि जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं न्यू बॉल और ओल्ड बॉल के अंदर बहुत फर्क होता है। आप पर न्यू बॉल के साथ क्या करते हैं, क्या टेनिस बॉल अब जब आपके हाथ पे रेड टेनिस हो, नई गेंद के साथ गेंदबाजी करना मुश्किल होता है या फिर पुरानी गेंद के साथ गेंदबाजी करना मुश्किल होता है? मुश्किल पुराने गेंद पुरानी गेंद पर मुश्किल होता है मेरे विचार पे, नई गेंद पर भी होना चाहिए क्योंकि नई गेंद के साथ शायद वो ग्रिप आप नहीं बना पाते हैं, लेकिन पुरानी गेंद पे क्या ज्यादातर वो कटर का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाते हैं गेंदबाज या फिर नई गेंद के साथ? नहीं, पुराने कैंपस में मैंने बहुत भला पट्टा रहा हुआ जी मैंने पुरना बॉल रे मैंने बैट्समैन बहुत हिट करी लास्ट मैंने डेथ ओवर थी वो मैंने जी रन रन थी वो रन न थी वो अपने बैट्समैन हिट करी तो थी मैं मैं बिल्कुल। कुछ पुरने बॉल डंगा बॉल का नहीं था। मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे, मतलब जब डगआउट पे आप बैठे हो या फिर टेंशन पे हो या फिर कूल अंदाज से आप मैच का एंजॉय कर रहे हैं, आप जीत के करीब हो और थोड़ा सा मजाक मस्ती चल रहा है, डगआउट का माहौल कैसा रहता है लुटु वॉरियर्स क्रिकेट टीम का, क्या बताना चाहेंगे? किस किस के खिलाड़ी, चार्मिंग प्लेयर कौन है, एंटरटेनमेंट का पिटारा आपके टीम के अंदर कौन है, किसका नाम आप लेना चाहेंगे? कंपेयर भाई कंपेयर क्या कुछ ऐसा हिस्सा हुआ है, कुछ ऐसा कहानी है जिसको आप बताना चाहेंगे, लोटू वॉरियर्स डगआउट पे मतलब एंजॉय किए आप लोग या फिर? भाई और मंटू भाई माने मोस्ट ऑफ माने बहुत माने क्लोज रिलेशन थी और हमारे कैप्टन राजू भी माने जी हमें बहुत मजा करी माने मुझ तभी भी केतेबेले मोरी खराब प्रदर्शन होला कंटे भाई मते बुझान माने किछ नाही नेक्स्ट मैच भी भलो हो बिल्कुल, भरोसा देना, विश्वास बढ़ाना ये सबसे बड़ी बात है। और कंटिया एक अनुभवी खिलाड़ी है। भिकी भाई ने यहाँ पे सवाल पूछा है कि डेरा मैच के बारे में पूछिए क्योंकि लुटु वॉरियर्स क्रिकेट टीम वहां पे चैंपियन चैंपियन बना था निश्चित तौर पर। तालचेर डेरा टूर्नामेंट के बारे में क्या बताएंगे विवेक सामंत? कल्चर डेरा दे टूर्नामेंट तो बहुत भला ऑडियंस भी बहुत भला सेटे खेलिया भी बहुत भल लगे जी डेरा तो ग्रास फील्ड सामने कमांडो 11 था फाइनल मैच पे और वहां पे कमांडो 11 को हार थमाया लुटू वॉरियर्स ने, निश्चित तौर पर एक बड़ा उपलब्धि था लुटू वॉरियर्स क्रिकेट टीम के लिए। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भीकी भाई को और तालचेर डेरा के तमाम कर्मकर्ता को जिन्होंने इतना बढ़िया टूर्नामेंट बनाया और काफी अच्छा माहौल बना था, मतलब क्लाइमेट भी चेंज हो रहा था, लोगों का संख्या भी बहुत ज्यादा था और कड़क कड़क मुकाबला हमको देखने के लिए मिला। वहां पे तेल कोई आया था, वहां पे संबलपुर भी आया था, कमांडो और लुटु वॉरियर्स के बीच पे फाइनल मुकाबला होता है और काफी यादगार मुकाबला खेला गया है। और थैंक यू वेरी मच तालचेर डेरा ऑल उड़ीसा क्रिकेट टूर्नामेंट बनाने के लिए, और नेक्स्ट सीजन उससे भी और भी बेहतर तरीके से आप टूर्नामेंट बना पाए ये हमारा उम्मीद रहेगा, ऑल ओडिशा क्रिकेट टूर्नामेंट तालचेर डेरा के ऑर्गेनाइजर टीम से। किसने लिखा है कि जितने टीम है शायद लुटू वॉरियर्स के बॉयज के नीचे रहेंगे क्योंकि देसी बॉयज बहुत सारे लोकलिटी खिलाड़ी को लेकर ये टीम बना था, क्या कुछ टीम के बारे में बता पाएंगे? ये टीम का नाम है एसएस लुटू वॉरियर्स, किस आदमी लुटु के नाम पे ये, क्या इस पीछे का कहानी हम जानना चाहेंगे। वॉरियर तो हमारी गोटे टीम नो से गोटे फैमिली को एकले चलियो जी हमारी लुटु वॉरियर माने लोकल पिला को ऊपर हमारे बहुत भरोसा
लोकल पिला पूरा भाई भाई हिसाब से खेलू निश्चिंत तौर हम पर। तो देखते थे लुटुवारे अधिक लोकल पिला नहीं की ही खेले ये खास बात रही है अभी तक लुटु एडियट्स, जब पाड़ेन्दा तिर्तोल आए थे यहाँ पे भी पहली बार आउटसाइड गेम खेलते हुए उन्होंने चैंपियनशिप हासिल किया था। तो फिर लुटु वॉरियर्स एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद लुटु वॉरियर्स सिर्फ अनुकूल एरिया पे रुक जाएगा, शायद लुटु वॉरियर्स के जो खिलाड़ी हैं शायद वो लोकलिटी पे सिर्फ खेलते रह जाएंगे, लेकिन इस साल लुटु वॉरियर्स के ओनर लुटु वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने ये ठाना कि हमको बाहर जाना है, हमको हमारा जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट, पहले ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ 20 ओवर खेल सकते हैं, 20 ओवर फॉर्मेट वाला क्रिकेट ये खेल सकते हैं, लेकिन इन्होंने शॉर्ट फॉर्मेट पे भी आके अपनी झंडा को गाड़ा है। वेल डन एसएस लुटु वॉरियर्स अनुकूल, उनके जितने भी खिलाड़ी हैं कंग्रेचुलेशन, आपने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिलाया और बार बार अपने चैंपियन की किताब को हासिल किया और अपना एक अलग पहचान आपने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अपने हाई स्कोर के बारे में बात किया, अपने बेस्ट 5 विकेट हॉल के बारे में बात किया, लेकिन अब हम बात करेंगे आपके मम्मी पापा के बारे में, आपके माताजी और पिताजी के बारे में, क्या उनका सपोर्ट है? पहले तो उनका नाम जानना चाहेंगे हम, माताजी का नाम और पिताजी का नाम। बापा का ना विक्की रबर समल, बोन जी को ना बिनोदिनी समल। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक ऐसा लाडला को पैदा किया है जिन्होंने उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे तहलका मचा रखे हैं और जरूर आपका नाम को रोशन कर रहे हैं इस समय, और इसी तरीके से आपका जो प्यार है या फिर आपका जो आशीर्वाद है इस तरीके से बने रहे विवेक सामल के ऊपर, और ये और भी उड़ान लगाए, आगे की तरफ बढ़े और आपकी नाम को और भी ऊपर की तरफ लेकर जाए। और एक समय ऐसा भी, एक समय आ चुका है वो समय कि अब शायद आपकी जो पिताजी हैं वो उनके नाम से नहीं विवेक के नाम से पहचाना चाहते हैं, और विवेक ने वो काम को करके दिखाया है, और भी आप तरक्की करें और भी आपकी जो तकदीर है वो खुल जाए और हमेशा आप आपके मम्मी पापा के साथ खुश रहे और हमेशा आप उनको खुशियां दे, ये हमारा उम्मीद रहेगा विवेक सामल से। क्या सपोर्ट करते हैं आपको क्रिकेट खेलने के लिए? सपोर्ट करते हैं। जहां पे जाते हैं कभी फोन करके बताते हैं यार जल्दी आ जाना, हाँ ज्यादातर कौन प्यार करते हैं, पापा मम्मी या फिर मम्मी? मम्मी मम्मी, तो ये माँ तो माँ होती है, पापा पापा, देखिए पापा ना आप जैसे कि दो बल्लेबाज है मैदान पे, एक बल्लेबाज को एक बल्लेबाज साथ निभाता है, जो ऑन स्ट्राइक एंड का जो बल्लेबाज है ना वो है पापा, और जो स्ट्राइक एंड पे जो बल्लेबाज है ना वो है माँ। तो निश्चित तौर पर ये जो मम्मी पापा का जो कनेक्शन है ये मतलब बच्चे लोगों को बहुत ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, और निश्चित तौर पर उन्हीं के आशीर्वाद से आप बहुत ऊपर की तरफ गए हैं, और भी आप ऊपर की तरफ जाए और भी तरक्की करें ये भगवान के पास हमारा दुआएं रहेगी। इस समय कमेंट में लेना चाहूंगा वैकुंठ सेठी ने, स्पेशल थैंक्स टू बुधादेव भाई, थैंक यू सो मच, यू टुक आवर टूर्नामेंट टू टॉप लेवल, थैंक यू सो मच भागड़िया, ऑलरेडी टॉप लेवल टूर्नामेंट है उस पर कोई दोहराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये रहेगा जब आपके सामने मैं लेकर आऊंगा इंटरनेशनल क्वेश्चन, आपको फिर दोबारा हम लेकर चलते हैं रैपिड फायर राउंड, जहां पे #cricketvaani क्लास जिसके अंदर पांच पांच क्वेश्चन रहेगा और उसका जवाब आपको देना है फटाफट। पहला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग IPL पे पहला हैट्रिक किस गेंदबाज ने लिया था? याद कीजिए पहला हैट्रिक, नाम मैं आपको बता दूं, कुछ ऑप्शन मैं आपको देना चाहूंगा, लक्ष्मीपति बालाजी, जाहिर खान, इरफान पठान। पहला इरफान और एक बार बताइए। पठान गलत जवाब, पहला हैट्रिक IPL पे लक्ष्मीपति बालाजी ने लिया था, बालाजी ने बाजी मात किया था। चलिए पहला इंडियन प्लेयर जिन्होंने IPL पे शतक जड़ रखा है उस इंडियन खिलाड़ी का नाम क्या है? पहला इंडियन बैटर,
ऑप्शन में आपको दो, मनीष पांडे, विराट कोहली, रोहित शर्मा। किस बल्लेबाज ने इंडियन प्रीमियर लीग के आईपीएल पे पहला शतक जड़ा था भारतीय होने के नाते? रोहित शर्मा। नो, मनीष पांडे। मनीष पांडे इज द मैन द फास्ट सेंचुरी फॉर इंडियन प्रीमियर लीग, फॉर इंडिया। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब भी देखते हैं, इंडिया के लिए उन्होंने पहला वो खिलाड़ी बने थे जो आईपीएल पे शतक जड़ा था। उससे पहले जब इंटरनेशनल खिलाड़ियों के बारे में बात करें, ब्रेंडन मैकुलम पहला मुकाबला पे उन्होंने शतक जड़ दिया था। तो दोनों की दोनों सवाल का जवाब आपने गलत दे चुके हैं। अब जो सवाल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, थोड़ा सा सोच विचार कर आपका जवाब दे तो बेहतर रहेगा। किस बल्लेबाज ने या फिर किस बल्लेबाज मिलकर, दोनों बल्लेबाज मिलकर टेस्ट क्रिकेट पे सबसे बड़ा पार्टनरशिप बनाया है, अर्जित किया है? दोनों बल्लेबाज का नाम क्या है? इतना बता सकता हूं कि एशिया 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 का वो खिलाड़ी है टेस्ट क्रिकेट पे दोनों बल्लेबाज ने मिलकर सबसे ज्यादा पार्टनरशिप, सबसे बड़ा स्कोर उन्होंने बना रखे हैं, बिग पार्टनरशिप। दोनों बल्लेबाज का नाम क्या आप बता सकते हैं? एशिया का खिलाड़ी है उतना ही बता सकते हैं, और एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और एक राइट हैंडेड बैट्समैन। आप ऑडियंस का भी, ऑडियंस पूल, आप उनका भी हेल्प ले सकते हैं। कोई दर्शकों को पता है तो जरूर आप विवेक सामल का हेल्प कीजिए। संगाकारा जयवर्धन। जी बिल्कुल, ये सही जवाब है। महिला जयवर्धन है और कुमारा संगकारा मिलकर इन्होंने कमाल की पारी खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टी ट्वेंटी पे ऑस्ट्रेलिया के लिए किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक स्कोर बनाया है? ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्ले के साथ किस खिलाड़ी के पास सर्वाधिक, जो इंडिविजुअली स्कोर होता है, किसने सबसे ज्यादा रन बनाया है एक पारी में? वो शायद मतलब पूरा विश्व पे सबसे बड़ा पारी है अभी तक। अभी तक उनका आंकड़ा कोई तोड़ा नहीं है। आप ऑडियंस पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सवाल हमने कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहे हैं। आरन फिंच, राइट। 172 रनों का उन्होंने पारी खेला था। आप सोचिए, 20 ओवर का मुकाबला हो, उसमें से सिर्फ एक एक बल्लेबाज जो 172 बना दिया हो, यानी कि जो कुल मिलाकर टीम का स्कोर होना चाहिए था, उन्होंने अकेला अकेला ही वो 172 उन्होंने बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी, आप उनका बहुत बड़े फैंस रह चुके हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी का इंटरनेशनल जब आप आंकड़ा उठाकर देखते हैं, तो फिर उनका टेस्ट क्रिकेट पे सर्वाधिक स्कोर कितना है? 224। राइट आंसर। चलिए अब वनडे वनडे के बारे में भी पूछ लेते हैं। वनडे पे कितना? 183। 183। जी बिल्कुल, 1983 पे किस कप्तान ने भारत को विश्व कप जिताया था? देव। कपिल देव। कौन सा मैदान पे जीता था भारतीय टीम ने? लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स पे, राइट। चलिए, ये था हमारा क्रिकेट वाणी क्लास रैपिड फायर राउंड, जिसको आपने बहुत बढ़िया तरीके से खेला। अब मैं शायरी राउंड के ऊपर जाऊंगा, और इस समय आपके दिलों को जीतने की कोशिश करूंगा। बहुत बार मैंने कोशिश किया है मैदान पे, आप जब प्रेशर सिचुएशन होता है तब मैं आपका हौसला अफजाई कर पाऊं, आपको मोटिवेट कर पाऊं, लेकिन वो मैदान अलग है, ये मैदान अलग है। वहां पे आपके हाथ पे बल्ला होता है या फिर गेंद होता है, आप हवाई फायर करते हैं या फिर आप वो विकेट चटकाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपकी दिलों को जीतने की कोशिश करूंगा कि हर सपने को अपनी सांसों में जिंदा रख, कि हर सपने को अपनी सांसों में जिंदा रख, हर मंजिल को अपनी बाहों में जिंदा रख,
हर जीत तेरी होगी भाई, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में जिंदा रख, नजर हमेशा रहना चाहिए आगे की तरफ कि सफलता है, सफलता को हम पकड़ सकते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कि मंजिलें इंसान की हौसला आजमाती है, कि मंजिल इंसान के हौसला आजमाती है, सपने की पर्दे को आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। बहुत बार आप जब ये गलती किए हैं तो फिर उस गलती से आपको सीखना चाहिए, ठोकर खाएंगे तो फिर आप दूसरे टीम को ठोकर दे सकते हैं। उस किस्म का खिलाड़ी है विवेक सामल। जब टूटने लगे हौसला तब ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तब ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, ढूंढ लेने अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होता। इस शायरी को और एक बार मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा, ये मेरा नया शायरी है और बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा सा समझाना भी चाहूंगा मैं। जब टूटने लगे हौसला तब ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो नहीं होती ताज, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होती। तो रोशनी की मोहताज, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि जब जब आप मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं तब तब आपको कठिन काम करना पड़ता है, कठिन काम से आपको गुजरना पड़ता है, लेकिन जब आप वो कठिन रास्ता से गुजर जाते हैं तो फिर वो मोहताज वाली चीज आपके सामने उभर कर आता है, और वो मोहताज हो आप लूट वॉरियर्स टीम के लिए। खो कर पाने का मजा ही कुछ और है, कि खो कर पाने का मजा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने की मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है जनाब, हारने के बाद जीतने की मजा ही कुछ और है। कि ये दो रोहिए, कि ये दो रोहिए, लुटु वॉरियर्स क्रिकेट टीम का सरमोर रोहिए विवेक सामल, वो सरमोर और जिन्होंने कमाल किया है, धमाल मचाया है लुटु वॉरियर्स क्रिकेट टीम के लिए। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी है मन में वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल तुझे, बस सितारे चुनने के लिए अपनी जमीन को मत छोड़ना। ये हमारा आखिरी शायरी था, जमीन को ना छोड़ना, लेकिन आपने लुटू वॉरियर्स की जो जमीन था उस पे आपने अपना सिक्का को जमाया और कमाल किया, आपने खेल को दिखाया 2021-2022 पे वन ऑफ द डेंजरियस ऑलराउंडर, थ्री डायमेंशन प्लेयर के तौर पर आपने कमाल किया है, और बेस्ट हुई से इस क्रिकेट वाणी की तरफ से कि आने वाला सीजन आपके लिए और भी बेहतर हो, आप बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करें और बेहतरीन तरीके से अपने गेंदबाजी करें। अंतिम क्वेश्चन, आपको एक ड्रीम इलेवन बनाना है और जिसके अंदर आपको 5 बल्लेबाज, कम से कम 2-3 और सारे गेंदबाज, कम से कम 4 से 5 गेंदबाज को भी आपको रखना है, तो 11 खिलाड़ियों का ये टीम होना चाहिए। फटाफट आपको ड्रीम इलेवन ओडिशा टेनिस क्रिकेट का बनाना है इस सीजन को मद्देनजर रखते हुए, पहले 2 सलामी बल्लेबाज का नाम आपको पिक करना है। सिंगल भाई सिंगल दास चुन लिया चुनकालिया, 2 सलामी बल्लेबाज, और नंबर 3 नंबर 4 पे आप किसको रखना चाहेंगे बतौर बल्लेबाज? 20 भाई कंटिया, जगन भाई जगन, जगन को ऊपर खिलाएंगे या फिर नीचे? नंबर 3 पर कौन, नंबर 4 पर कौन? नंबर 3 पर कंटिया भाई, नंबर 4 जगन भाई। चलिए, आपको वो लेफ्ट एंड राइट एंड कम्बिनेशन रखना चाहते हैं। 4 खिलाड़ी ऑलरेडी आप फिक कर चुके हैं जिसके अंदर सिंगल दास, चुई कालिया, कंटिया और जगन, ये 4 खिलाड़ी। 5 और 6 क्या ऑलराउंडर का विकल्प यहाँ पे आप लेना चाहेंगे या फिर थोड़ा सा नीचे जाकर 5 और 6 पे आप किसको रखना चाहेंगे? अलंडे मंटू भाई मंटू भाई, गुड ऑप्शन। 5 पे हो गए मंटू भाई, बतौर बल्लेबाज फ्लोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और नंबर 6 पर तुम्हारा मंटू भाई से मंटू भाई मंटू भाई जी बिल्कुल, मंटू भाई ये 5 खिलाड़ी है, ये
छह खिलाड़ी आ चुके हैं, अब सिर्फ पांच खिलाड़ियों का स्पॉट बचा है। और किसी ऑलराउंडर का नाम आप लेना चाहेंगे? सातवें नंबर पर चिन्नू चिन्नू, चिन्नू 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 जी बिल्कुल, सेवन नंबर, परफेक्ट नंबर। फिर यहां से आपको मतलब चार प्रॉपर गेंदबाज, जिसके अंदर लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज भी होना जरूरी है, चार गेंदबाज किसका चयन आप करना चाहेंगे? राजू कोसला राजू स्ट्राइक बॉलर, भैया मनोज कुमार राउत, बाबू ने बाबूनी, लास्ट वन, पिलाड़ू लास्ट वन पिलाड़ू पिल्लाड़ू। चलिए, अपने तीन लेफ्टी मतलब बाबूनी और पिल्लाड़ू, ये दो बाएं हाथ के गेंदबाज, उसके अंदर कोसला राजू को आपने मिक्स किया, बहुत बढ़िया आपने टीम बनाया है। और भी आपके पास गेंदबाजी के लिए ऑप्शन भी रहेगा, जहां पे आप चिन्नू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाऊ मंटू का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एमएनसीसी संबलपुर का भी मंटू गेंदबाजी कर सकते हैं, और लुटु वॉरियर्स के जो मंटू है वो भी गेंदबाजी कर सकते हैं बहुत। और अविनाश भाई ने लिखे हैं कि आपका नाम क्यों नहीं आपने रखा, मेरे विचार पे रखना चाहिए था आपको, लेकिन बहुत बढ़िया उमदा टीम। लेकिन कीपर के तौर पर आप किसका चुनाव करेंगे? कंटिया आपके पास है, आपके पास उत्कड़ केसरी राउत भी है, किसको बतौर विकेट कीपर आप रखना चाहेंगे? जगन जगन भाई। चलिए, अपोनेंट टीम, लास्ट क्वेश्चन और एक लेना चाहूंगा, कौन सा टीम सामने पर होने से और भी आप जोश और जुनून के साथ क्रिकेट खेलते हैं, ओपोनेंट टीम जो खास लगता है आपको कि इस टीम के खिलाफ अच्छा करना है? कमांडो। कमांडो चलिए, हर किसी का मतलब कमांडो के सामने अच्छा करना है, कमांडो टीम को हराना है, ये बहुत बढ़िया सोच रही है। और आने वाले समय के लिए आपको बड़े बड़े टीम को मात दे, और बड़े बड़े टूर्नामेंट पे आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाए और वहां पे वो ट्रॉफी को जीते। इस साल बहुत टूर्नामेंट हुआ है, और कुछ टूर्नामेंट का आप नाम लेना चाहेंगे जो टूर्नामेंट पे आप गए हैं वहां पे और बहुत प्यार मिला है? हम सिर्फ सुकुनई और पाघड़िया कप या फिर ऑल स्टार के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन इस साल तो बहुत सारे टूर्नामेंट हुआ है, और किस टूर्नामेंट का आप नाम लेना चाहेंगे? जैसे बड़म्बा शंखा मेरी पे एक टूर्नामेंट हुआ था, और भी आप कहीं पे गए हो और वहां पे आपको ज्यादा प्यार मिला है? गुड़बंदा कप गुड़बंदा कप डेरा हिंदोल जी, हिंदुल कप। तो ये सारे बहुत सारे ये सारे टूर्नामेंट है जहां पे विवेक सामल उतर चुके हैं मैदान पे, और आपके जो बहुत करीबी दोस्त मिश्र भाई, हिर मिश्र के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो आपको बहुत सपोर्ट किए हैं? से माने मु जेतेबेले भी माने भी इनको डाके से मते कहे मु करेंगे जहां भी जी, काम हो से आते निश्चित तौर पर एक मतलब इंसानियत के तौर पर दिखा जाए, उनसे बढ़िया इंसान मैंने देखा ही नहीं, और काफी खुले इंसान है, और बहुत प्यार वो जताते हैं और प्यार हम भी जताते हैं उनके ऊपर। थैंक यू वेरी मच हिर मिश्रा भाई, और थैंक यू सो मच विवेक सामल, आपका वो इम्पोर्टेंट टाइम हमको देने, और बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए। आने वाला समय आपका फ्यूचर ब्राइट हो, और आप आपके माताजी और पिताजी के साथ खुश रहे, ये हमारे भगवान के पास दुआएं रहेगी। जाते जाते वो आखिरी शायरी आपके लिए बोलना चाहूंगा कि विवेक का बल्ला माशाल्लाह, कि विवेक का बल्ला माशाल्लाह, क्योंकि विवेक का बल्ला पे वो पहनापन नजर आया है, और विवेक की गेंदबाजी पे वो धार नजर आया है, जिसके वजह से लुटू वॉरियर्स प्रीमियर लुटू वॉरियर्स टीम ने इनके ऊपर निवास किया किया था, और इन्होंने वो जीत का संदेश दिया है। वेल डन विवेक सामल, इस तरीके से आप कड़ी मेहनत करते जाइए और सफलता की सीढ़ी आप चढ़ते जाइए। आपका वैल्यूबल समय देने के लिए और क्रिकेट वाणी के साथ योगदान देने के लिए, ये एपिसोड 3 था और आपने इसको यादगार बनाया। जाते जाते सिर्फ इतना बताना पड़ेगा आपको कि ये जो 1 घंटा का माहौल था कैसा लगा आपको, इंस्टाग्राम लाइव क्रिकेट वाणी पे आकर ये समय व्यतीत आपने जो किया, कितना मजा आया आपको? बहुत भल लगला बहुत भी एक्साइटेड थी लाइक अ सी भाई थैंक यू। आओ
माने फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद देवी बुद्ध भाई को मते लाइव से डाकिया भाई थैंक यू और थैंक यू मु आपन को दबा को चाहे भी आपन का टीम मेंबर को दबा को चाहे भी आपन का टीम ओनर को मंडल भाई को भी दबा को चाहे भी एमडी एक टीम आपन घरी थिबारो एमटी एक टीम को आगु को नै कि जाई थिबारो आ ए प्लेयर मानकर स्वप्न को पूरा करी थिबारो मंडल भाई आपन को क्रिकेट वाणी तरफ रो बहुत बहुत धन्यवाद आ ता सहित आपन का टीममेट जहां को नै कि आपन आगु को बढी छंती एम कि आपन आगु बढंतो एसएस लुटु वॉरियर्स टीम आहुरी आगु को जाऊ ओडिसा रो कोण अनुकोण रे जाई तार जितिबार जो सिलसिला रही जारी रखु सहित यही एपिसोड को आमे एटी समाप्त करचु। थैंक यू सो मच विवेक सामल वंस अगेन जॉइनिंग अस क्रिकेट वाणी लाइव और दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, फिर हम गुप्तगू करेंगे, फिर क्रिकेट का बातचीत होगा। अलविदा टाटा बाय बाय।